नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपको रिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। उन्नीस बेटी का जो समर 2020 का जो एग्जाम था, वो जो अभी अक्टूबर मंथ में हुआ, उसके बारे में स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर रिजल्ट कब लगने वाला है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं कि रिजल्ट कब लगने वाला है। तो उसके बारे में मैं सोच रहा था कि चलो मैं भी एक वीडियो बना के आपको बोल देता हूँ कि रिजल्ट कब है। तो उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे मैंने लास्ट के वीडियो में बताया था कि रिजल्ट लगना है तो लगेगा, डायरेक्ट सेकेंड ईयर के एडमिशन चालू होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो चलते रहेगा। लेकिन आप उसके साथ साथ आपके खुद का डेवलपमेंट का भी कुछ सोचो। जैसे मैं अभी आपको जो कुछ फ्री प्लेटफॉर्म है वो बता देता हूँ। यहाँ पे यूडेमी का एक कोर्सेज चलते हैं जिसमें आप 400-500 रुपये में आपको जो फील्ड लगता है, डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, उसमें कुछ कर सकते हो। बिजनेस है, फाइनेंस है, आईटी है, ऑफिस प्रोडक्टिविटी है, पर्सनल डेवलपमेंट आप कुछ कर सकते हो, आपका वोकेबलरी बढ़ा सकते हो, उसके बाद कम्युनिकेशन पे काम कर सकते हो। अगर आपके कुछ एप्टीट्यूड का, जैसे आप डिग्री करोगे फाइनल ईयर में एप्टी का एग्जाम होता है, उसके ऊपर से कैंपस सिलेक्शन होता है, उसके ऊपर काम करो, ठीक है। ये डिजाइनिंग है, मार्केटिंग, बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें आप यूडेमी 500 रुपये में कोर्स करके आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज कर सकते हो। फिर भी आपको अगर पैसा नहीं भरना है तो आप स्वयं पे जा सकते हो। देखो, आप यहाँ पे वेबसाइट है swayam.gov.org, गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे कोर्स का कैटलॉग डाउनलोड करो, आपको कौन सा कोर्स करना है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में करना है या मैथ्स में करना है, किस किस में करना है, तो देखो। उससे वहाँ पे आप 2-3 महीने का, 12 वीक्स का, 15 वीक्स का, 8 वीक्स का कोर्स रहता है, वो करो। वहाँ पे आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, कुछ नॉलेज भी बढ़ जाएगा, सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, आप बोल सकते हो कि भाई मैंने ये कोर्स किया है, ठीक है। और बाद में अभी बात आती है आपके इसकी रिजल्ट की, तो यहाँ पे भी एमएसबीटी के पोर्टल पे तो अभी तो कुछ तो दिख नहीं रहा है कि रिजल्ट कब है क्या है। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स की बहुत बारिश की वजह से एग्जाम नहीं हो पाई थी, उसके लिए वापस से एक बार एग्जाम ली थी 26 तारीख को और 27 तारीख को। तो ऑब्वियस है कि आपका जो रिजल्ट है उसकी वजह से थोड़ा डिले हो सकता है। अब ये डिले कब तक होगा, देखो 7 तारीख से 10 तारीख हो सकती है, इसमें इसके बीच में आपका रिजल्ट लग जाएगा, क्योंकि 26 और 27 के बाद ऊपर के वो 3-4 दिन और फिर ऊपर के ये 7 दिन, मतलब 10 दिन 11 दिन का टाइम सफिशियंट है। ऑलरेडी आपके एग्जाम तो ऑलरेडी हो चुकी है 17 तारीख तक, तो आपका रिजल्ट 5 से 10 से बीच में पकड़ लो, यहाँ तक लग जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे सजेशंस अच्छे लगते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू।